जिला हमीरपुर में कैप्टन मृदुल शर्मा के शहीदी दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीद की शहादत को याद किया। इस अवसर पर उपस्थित रहे मुख्यमंत्री राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने शहीद को याद किया और साथ ही उनकी याद में बनवाए जा रहे वार मेमोरियल के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए। काम में कोई भी देरी हो रही है, कोताही हो रही है, उसको गंभीरता से हम लेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से, सही तरीके से वार मेमोरियल का सम्मान करते हुए उसको हम पूर्ण रूप देंगे और जल्दी ही इस कार्य में और भी रफ्तार लाएंगे, क्योंकि ये कार्य किसी जाति से संबंध नहीं रखता। वार मेमोरियल जो है किसी धर्म से संबंध नहीं रखता। ये हमारी भावना है, ये हमारे देश के लिए एक समृद्धि चिन्ह है, इसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा काम। वहीं शहीद के भाई मुकुल शर्मा ने बताया कि आज शहीद कैप्टन मृदुल की शहादत को 20 साल पूरे हो गए हैं और उनकी याद में कैप्टन मृदुल शर्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। चार मिलिटेंट्स इन्होंने न्यूट्रलाइज किए, लेकिन इसी गन शॉट, इसी एनकाउंटर में उनको चार गोलियां खुद को भी लग गई, बल्कि उन्होंने अपने बड़ी को भी बचाया। वहाँ से उस दिन बारिश भी हो रही थी, ठंड बहुत थी और फिर 11:30 उनको गोलियां लगी और 1:30 पे सुबह 1 जनवरी 2004 को उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके लिए भारत सरकार ने उनकी वीरता को उनको मरणोपरांत प्राप्त सेना मेडल भी दिया। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए।